नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी के सीपी बच्चे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और आपको भी भगवान मेहनत करने की और इन सीपी बच्चों को संभालने की हिम्मत दें और हौसला दें, ताकि आप भी इन बच्चों को अच्छे से संभाल सको और इनकी केयर कर सको। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे की फिजियोथेरेपी के साथ साथ माइंड की एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज अपने करवाते हैं वो तो उसके बॉडी के मूवमेंट के लिए होती हैं, लेकिन जो माइंड की एक्सरसाइज है वो एक्टिविटी से होगी। और मैं जो भी वीडियो चैनल पर डालती हूँ एक्टिविटी की, माइंड डेवलपमेंट की, तो फ्रेंड्स वो बहुत कम देखते हो आप लोग, तो जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो। तो फ्रेंड्स, बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की माइंड का विकास होगा तो बच्चा सब कुछ कर सकता है। जैसे आप बच्चे को एक्सरसाइज करवा रहे हो और बच्चे को आप कह रहे हो बेटा मुट्ठी खोलो या मुट्ठी बंद करो, तो इस चीज़ की बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। और ये समझ फ्रेंड्स माइंड की डेवलपमेंट से ही होगी। जब बच्चे की माइंड का विकास होगा, बच्चे को ये पता होगा मुट्ठी खुलती कैसे है और बंद कैसे होती है, तो इस चीज़ में आपको एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब बच्चे कुछ समझते नहीं हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सोचते हो कि एक मिनट में बच्चा समझ जाए, तो फ्रेंड्स ये संभव नहीं है। आपको एक बात को 1000 बार बताना पड़ेगा, 100 बार बताना पड़ेगा, 1000 बार बताना पड़ेगा, तब जाके ये बच्चे सीखेंगे। और बच्चा खेल रहा है तो वो क्या है कि खिलौने को टच कर रहा है और मुट्ठी बंद कर रहा है, ले नहीं रहा है, तो आपको बार बार आपको कहना है कि बेटा ये लो मुट्ठी खोलो हाथ की और ये खिलौना पकड़ो, फिर ज़बरदस्ती आपको खोल के और हाथ में खिलौना देना है। बार बार आपको ये एक्टिविटी करानी है। और बच्चा जब भी खेल रहा है, टॉयज नहीं पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती बच्चे के हाथ में पकड़ाना है। और ये बार बार अगर आप कोशिश करोगे तो एक दिन वो खिलौना भी पकड़ने लगेगा। ऐसे नहीं है कि वो एक दिन में ही सब कुछ सीख जाएगा। और फ्रेंड्स, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे को जो भी एक्टिविटी करवाते हो वो बार बार करवाइए। जैसे मैं कमेंट आते हैं मेरे पास कि बच्चा कुछ भी सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो फ्रेंड्स आप बार बार अगर जैसे कोई म्यूजिकल ट्यून वगैरह है तो ये भी बच्चे को सुनाइए। तो इससे क्या है कि बार बार अगर सुनाओगे तो बच्चे का माइंड जागृत होगा और वो उस ट्यून को पहचानेगा, सुनेगा। डेली सुबह भजन है, कीर्तन है, वो भी आप चलाइए। ये क्या है कि दिमाग को सुकून देते हैं, तो इससे बच्चे का माइंड है वो डेवलपमेंट होगा। और इन बच्चों को लेके आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि हम कब एक्सरसाइज करवाएं, कब घर का काम करें और कब इन बच्चों को स्कूल भेजें या इनकी एक्टिविटी है वो कैसे करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये आप डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और फ्रेश माइंड से आपको टाइम निर्धारित कर लीजिए। आपके उठने का टाइम भी, बच्चे के उठने का टाइम भी, और घर के काम का, बच्चे की एक्टिविटी का सब शेड्यूल आप निर्धारित कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप परेशान भी नहीं होगे। और जब आप प्रसन्न और खुश रहोगे तो इन बच्चों को भी अच्छे से संभाल पाओगे। एक फ्रेंड से मैं आपको समय के सदुपयोग के बारे में बता रही हूँ। जैसे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाते हैं या कहीं और भी बच्चे को साथ लेके जाते हैं, या अपने घर पर भी कोई मेहमान आया है और अपने को उनको भी समय देना है, तो बच्चे को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास 24 घंटे के अलावा और कोई समय भी नहीं होता है, और अपने जब खाली बैठे हैं, जब किसी से बात ही कर रहे होते हैं और बच्चा पास में बैठा है, तो अपने को ऐसे नहीं है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, लेट रहा है तो लेट रहा है, बैठा है तो बैठा है। तो बच्चे को अपने उस टाइम में क्या करना है, बच्चे को एक्टिविटी करवाते रहना है बातों बातों के साथ ही। आप कुछ भी नहीं करते, बच्चे का हैंड पकड़ के, फिंगर पकड़ के उसकी एक्सरसाइज करवा सकते हो। आपको ऐसे निठल्ला नहीं बैठना है, ये चीज़ें आपको आदत में शुमार करनी पड़ेगी। जैसे आप एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वहाँ एक दो बच्चे और हैं या कोई पेशेंट हैं और आपको टाइम लगेगा, वहाँ पे आप 1 घंटे के लिए वेट कर रहे हो, तो उस टाइम आप बच्चे के साथ ऐसे ही ठाले मत बैठो। आप बच्चे को एक्टिविटी करवाइए, उससे बातें करिए, बच्चे की एक्सरसाइज, फिंगर के मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट करवाइए, बच्चे के पॉइंट दबा दीजिए। इस प्रकार से आप क्या है कि टाइम का सदुपयोग करके और बच्चे की एक्सरसाइज करवाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए, और ये ठाले बैठे अपने कर भी सकते हैं। इस प्रकार से अपने को टाइम का मैनेजमेंट करके और समय की बचत भी करनी है और बच्चे को भी वो समय देना है। और फ्रेंड्स, जैसे आपके बच्चे के बारे में क्या है कि लोगों की गलत धारणाएं भी बहुत होती हैं, तो
तो कोई अगर आपके बच्चे के बारे में गलत बात कह रहा है तो उस बात पे भी ध्यान मत दीजिए, निराश मत होइए और आप वहाँ से चल दीजिए। और ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ माइंड में यही रखना है कि मेरा जो भी बच्चा है भगवान ने दिया है उनको गोल्ड गिफ्ट है, और मैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सही करूँगी। बच्चे हैं, बच्चे समय के अनुसार ठीक भी हो जाते हैं। नेगेटिव बातों को लेकर ना ही तो परेशान होना और ना ही नेगेटिव बातों पे ध्यान देना। अगर कोई कह रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति भी आपको कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है, क्योंकि ये समाज का नियम है फ्रेंड्स। जिसमें भी कमी होती है या कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में लोगों के कहने की एक आदत होती है। इस बात को आप अपने भी दिमाग में बिल्कुल मत लीजिए। और फ्रेंड्स, एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे अपने बैठे हैं और बच्चा कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, जैसे ताली बजा रहा है या फिर कोई गलत आवाज़ निकाल रहा है या गर्दन बार बार ऊपर खिंचा रहा है और आप पास में बैठे हो, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को टोकना है, बच्चे को ये एक्टिविटी नहीं करने देनी है। जो भी बच्चा गलत एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए आपको बार बार टोकना है। एक बार से नहीं होगा, आप काम में व्यस्त हो, बच्चा बार बार ताली बजा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक फ्रेंड से इन बच्चों को आपको डांटना नहीं है, कोई भी बात आपको इनको कहनी है तो प्यार से इनको समझाना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार अगर कहोगे तो ये बच्चे मान जाएंगे। इनको आप जिद्दी कर रहा है तो इनको डांटोगे मारोगे तो ये बच्चे ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे और आपसे भय भी मानने लगेंगे और फिर ये आपकी बात को भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी आपको इन बच्चों से कुछ करवा रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो, जो भी कुछ आप करवा रहे हो, तो वो प्यार से करवाइए। अगर प्यार से करोगे तो ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर भी लेंगे। तो इन बच्चों पे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना और इन बच्चों को तेज आवाज़ से भी डांटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत कोमल और बहुत ही कच्चे होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इनको अपने को प्यार से ही रखना है और प्यार से ये बच्चे हर कार्य को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप जो भी वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।